नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के 14 महीने पूरे हो गए और अभी तक कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा है कि जिस पे हम संतुष्ट हों, जिस पे हम कोई ऐसी बात कहें कि लगे कि अब बहुत कुछ हो गया है। परंतु खैर, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल अलग है। और अब कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी निकल करके आती हैं, छोटी मोटी बातें, जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं और हमेशा करते रहता हूं। तो चलिए मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको आज की जो खास बात सामने आई है उसके बारे में मैं बात करता हूं। कई ऐसे लोग हैं जिस पे संदेह शुरू से रहा है, जिसमें एक संदीप सिंह जो कि अचानक ही आता है और ये कहता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही नज़दीकी दोस्त है। लेकिन जब सुशांत के परिवार वालों से पूछा जाता है तो उनका ये स्टेटमेंट आता है कि ये करीब इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं, और एक साल से उसने खुद स्वीकार किया कि एक साल से उसका कोई भी कांटेक्ट सुशांत सिंह राजपूत से नहीं था। तो अचानक ये व्यक्ति कहाँ से आ जाता है। दूसरा, सिद्धार्थ पिठानी, जो कि याद होगा कि चैनल पर जब अर्णव गोस्वामी ने उससे सवाल पूछना चालू किया तो वो व्यक्ति कुछ भी जवाब प्रॉपर दे नहीं पा रहा था और फाइनली उसने बीच में ही चैनल को छोड़ करके भाग गया। उस दिन से इसके ऊपर शक बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो सच होता तो हर सवाल का वो जवाब बहुत ही आराम से देता। लेकिन वो उस दिन भागा और उसके बाद जो एजेंसियों ने उसके ऊपर जो धावा बोला तो उसके कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिले, कई सारे ऐसे चैट्स मिले, व्हाट्सएप कॉल्स मिले, जिससे कि ये सब उसके कई सबूत निकल कर के सामने आए और उन सबूतों के आधार पे उसे गिरफ्तार किया गया है और वो लगातार जेल में बंद है। तीसरा व्यक्ति रिया चक्रवर्ती, जो कि आपको पता है कि वो सुशांत के पैसे से किस तरीके से उसने घपला किया और किस प्रकार से सुशांत को अपने जाल में फंसा करके उसने अपने भाई और अपने पिता के साथ ये बड़ी साजिश को अंजाम दिया। अब ये जो तीन नाम है, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, तो इसमें रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के कई ऐसे कनेक्शन हैं जो कि दुबई से लिंक हैं। दुबई कनेक्शन का भी बहुत सारा खुलासा हुआ, क्योंकि इनके जो चैट्स, ड्रग्स से रिलेटेड चैट, जिसमें कि लेन देन और व्यापार से संबंधित सप्लाई का जो इनका पूरा भंडा फूट गया और पूरा पोल इनका खुल गया। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनका कनेक्शन बिल्कुल अलग है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस मामले को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे कुछ बड़ा काम है, बड़ा कोई मामला है जिसको कि इन सब ने मिलकर के अंजाम दिया है, और इन सब चीज़ों से राज से पर्दा उठना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सुशांत सिंह की राजपूत की मामले को 14 महीने पूरे हो गए और अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। तो ऐसे कई और नाम हैं जिनके ऊपर शक है और जिनके खिलाफ कई सारे चैट्स, कई सारे फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स, कई सारे CDR वगैरह मिले हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों पे अगर गहन पूर्वक विचार विमर्श किया जाए, सूक्ष्मता से जांच किया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है और जांच एजेंसियां इस पे अपनी बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। तो अब हो सकता है कि इसमें एजेंसियां अपने लेवल से काम कर भी रही होंगी, परंतु हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि बहुत समय बीत गया और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। और सख्ती से जांच की जाए तो ये जो दो तीन नाम हैं इनके खिलाफ सारे सबूत अवेलेबल हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ थर्ड डिग्री से पूछताछ करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि जल्दी ही इनके ऊपर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जाए और ये सारे सच सामने उगल करके रख दें। खैर, चलिए, जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पे बताते रहूँगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।